मेरा आशीर्वाद आगरा में जो चीज बने वो सारे भारतवर्ष का होना चाहिए। जय हो, जय हो। आगरा का हर व्यक्ति को वहाँ अधिकार होना चाहिए ट्रस्टी बनने का। भारत का हर दिगंबर जैनी को अधिकार होना चाहिए ट्रस्टी का। कोई व्यक्तिगत बाप के साथ बेटे की बपोती नहीं होगी इस चीज में। ये प्रजातंत्र होगा। जैसे भारत की गद्दी प्रजातंत्री है, ऐसे ही भारत का ये तीर्थ प्रजातंत्रीकरण होना चाहिए। किसी चार लोगों की हुकूमत नहीं कि चार लोग चाहें तो सदस्यता बंद कर दें और चार लोग चाहें तो सदस्यता हटा दें, चार लोग चाहें तो सदस्यता खोल दें। इसी का परिणाम है कि आगरा का आज तक विकास नहीं हो पाया, क्योंकि हर संस्था पर गणित का सांप बन के लोग बैठे हैं और वो बाप बेटे की वसीयत बना लेते हैं, अपनी वोटर बना लेते हैं, अपने लोग चुन लेते हैं और क्षेत्र का विकास कुछ होता नहीं। 30 साल पहले मैंने आगरा को जो देखा था, 50 साल से आगरा वालों ने कमाई है, कुछ विशेष तो कार्य कुछ किया नहीं। अब क्या करना चाहते हैं महाराज श्री? 30 साल पहले आपने देखा था उसको, ये संरक्षित करके ज्यों का त्यों रखे। अब आगे बढ़ाना है तो इस क्षेत्र का विकास कैसे हो, इस क्षेत्र की कमेटी कैसे हो, इस क्षेत्र के सदस्य कैसे बने, वो मार्गदर्शन दें। उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी मूर्ति नहीं हो, इतना बड़ा 20 से 25 फुट ऊंची पद्मासन का मूल नायक का मंदिर कौन बनाएगा? इस क्षेत्र में बनेगा, देखिएगा सबसे बड़ा। और मंदिर कैसा होगा? कुंडलपुर के बड़े बाबा का। जय हो, जय हो, जय हो। और इसका भविष्य क्या होगा? जैसे श्री महावीर जी का हर यात्री इस तीर्थ क्षेत्र को धोख लगाए बिना नहीं जा सके। जय हो। मंदिर बड़े बाबा जैसा हो और इसकी प्रसिद्धि 5 साल बाद श्री महावीर जी के समान होगी। और ये कोई साधारण तीर्थ नहीं बनेगा, क्योंकि आगरा अपने आप में एक ऐसा प्लेस है जो चारों तरफ से अपने आप में जुड़ा है। तो उसकी स्थिति हम वो, और मेरा भाव है कि चंदा चिट्ठे से मंदिर नहीं बनना चाहिए, इतना विशाल मंदिर कोई एक ही परिवार बनावे। जय हो, जय हो। ये चंदा चिट्ठा मेरी कुंडली में नहीं लिखा है। अभी तक जितने क्षेत्र हैं एक भी मंदिर चंदा चिट्ठे से नहीं बना। अशोक जी बैठे नारेली में, हर मंदिर एक एक परिवार का है। दूसरा तीर्थ क्षेत्र बनाने के लिए, और मेरा भाव है कि लाल पत्थर और मार्बल इन दो में से अभी चयन करना है। यहाँ तो ताजमहल मार्बल का है, क्यों नहीं ये क्षेत्र में हर मंदिर मार्बल का बने? जय हो। वो बैठ के डिस्कशन का विषय है, बनेगा पाषाण का या लाल पत्थर का और या पाषाण उसका मार्बल का, दोनों से। और एक ऐसी विशाल 24 ही बने, बहुत बड़ी बड़ी मूर्तियाँ हों, 24 जिनारे हों, उसमें 3 मूर्तियाँ हों। इतनी बड़ी जगह नहीं तो 72 जिनारे होते नारेली जैसे। लेकिन 24 जिनारों में जिनारे भी कुछ अलग ढंग के बने, मार्बल के हों। और एक ऐसा, अभी तक जितने नंदीश्वर दीप बनते हैं वो नंदीश्वर दीप एक मंदिर में बना दिए जाते हैं। मेरा है 52 जिनालय खुले आकाश में अलग अलग दिशाओं में बने, कम से कम 3-4 बीघा जमीन में बने। नंदीश्वर दीप 3-4 बीघा जमीन में हो, उसके अंदर समुद्र हो, समुद्र के बीच में जम्बू वृक्ष हो, जम्बू वृक्ष हो, बीच में समुद्र पड़े हो, और उसके 8वें दीप में जाकर के नंदीश्वर दीप विराजमान हो। और आगे कुछ और सोचेंगे, अभी तो फर्स्ट एड है। तो देखिएगा अभी तो ये झांकी है, तुम और समर्पित हो जाओ तो पता नहीं और क्या क्या बाकी है। जय हो, जय हो, जय हो, जै हो।